जी नमस्कार, नवरात्रि की हार्दिक बधाई आप सभी बीएनबी दर्शकों को। मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज, जिसमें आप सभी को दिखाया जाता है जो सच है, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। आइए आपको ले चलते हैं वहां जहां हर कोई शिक्षा का अलग जगह नहीं सकता। वैसे मैं एक महाविद्यालय के संस्थापक कमल संदेश पत्रिका के संपादक शिव शक्तिनाथ बक्सी की अथक प्रयास से झारखंड गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र अंतर्गत गांव कर्माटाड़ के शिक्षा का अद्भुत अलख जगाने का सराहनीय कार्य की लोग पूरी पूरी प्रशंसा करने से नहीं थकते हैं। जी, मैं वही विद्यालय की बात कर रही हूं, के एन बक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जहां महाविद्यालय का 8वां वार्षिक उत्सव को जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती के वंदना से किया गया। कार्यक्रम का स्वागत भाषण महाविद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्री अजित कुमार सिंह के द्वारा किया गया। महाविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर शिव शक्तिनाथ बक्सी के संबोधन में आज के कार्यक्रम में आगाज किया गया। अपने संबोधन में चेयरमैन ने महाविद्यालय की स्थापना उद्देश्य एवं रूपरेखा प्रस्तुत किया। महाविद्यालय की कल्पना नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय से किया गया और कहा कि सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा का अलख जगा रहा है। महाविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी एक परिवार की तरह रहते हैं और महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में तत्पर रहते हैं। महाविद्यालय के वाइस चेयरमैन श्रीमान शैलेंद्र कुमार ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शुरुआत से अंत तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं पर सभी का मार्गदर्शन किया। महाविद्यालय के सचिव श्रीमान रणविजय शंकर ने तकनीकी विभाग से मीडिया से लेकर सभी में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। आज के कार्यक्रम में बीएड सत्र 2018 और 20 के छात्र मनोहर लाल पाठक, सिंपी भारती, डीएलएड की छात्रा सौम्या मिश्रा को बेस्ट स्टूडेंट का पुरस्कार एवं प्रोत्साहन राशि दिया गया। बेस्ट टीचर का पुरस्कार प्रोफेसर विनोद कुमार सुमन एवं प्रोफेसर नूतन शर्मा को दिया गया। वहीं शिक्षकेतर कर्मचारियों में रतन कुमार सिन्हा एवं विक्रम को मिला। कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय के बारे में अपने अपने विचार रखे। महाविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन प्रोफेसर नूतन शर्मा ने प्रस्तुत किया। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन बी एड सत्र 2019-21 के छात्र चंदन कुमार भोक्ता ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर पवन कुमार सुमन ने किया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार, प्रोफेसर विनोद कुमार सुमन, प्रोफेसर नूतन शर्मा, प्रोफेसर सीमा कुमारी, प्रोफेसर अमर कुमार सुशांसु, प्रोफेसर नीलेश लकड़ा, प्रोफेसर चांद आलम, प्रोफेसर गौतम गुप्ता ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ समाप्त हुआ। जी, तो अगर हमारे बीएनबी चैनल की न्यूज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। टुडे वी हैव एक्युमुलेटेड हियर थ्रू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू सेलिब्रेट इट एनुअल फंक्शन ऑफ केएन बक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै। जब यह पावन क्षण है कि हम ना चाहते हैं महाविद्यालय के चेयरमैन श्री शिव शक्तिनाथ बक्सी सर का शिक्षण माहौल को, जो महाविद्यालय में एक शिक्षा का माहौल है, उसको बनाए रखने के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए जिस तत्परता के साथ कार्य किया जाना चाहिए, उसके लिए हमेशा सदैव लगे हुए हैं और इस यात्रा में अपनी ओर से जो कुछ हो सकता है, जो कुछ कर सकता है। लेकिन मैं प्रारंभ में ही कहा कि हमारे महाविद्यालय की स्थापना के पीछे जो विजन थे कि राष्ट्र की सेवा के लिए जो शैक्षिक संस्थान की स्थापना की गई, हमारे प्रबंधन समिति के सदस्यों के द्वारा जो इसकी आधारशिला रखी गई, तो भटके मन को राह दिखाता है। पर सभी छात्रों ने बेहतर करने, शिक्षा जो है वो अधूरी है, एक शिक्षक के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है।
और वह छात्र के अंदर छिपी प्रतिभा और उसके रचनात्मकता का बोध उस छात्र को करा सके, और यह कार्य इस महाविद्यालय के शिक्षकों ने प्रारंभ से ही किया है, 2013 से ही ऐसा कार्य किया है कि 2013 से जितने भी पास आउट हुए हैं छात्र अपना राष्ट्र के प्रति अपना योगदान सुनिश्चित किया, हमारे कॉलेज का नाम रोशन, एक नदी में एक शिक्षक बनने के लिए ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त होता है या सफलता के शिखर को छूता है और कर पाता है जो व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। यही बड़ा शब्द है गुरु, तो शिक्षक जो गुरु के भी स्थान पर है, शिक्षक रहा है, तो देखेंगे हमारे विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है, कई बार जिला में वो टॉप किए हैं, लगभग सभी विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से लगातार निकलते रहे हैं, और जो एक जिसे कहा जाता था कि एक गांव में बसा हुआ है इस कॉलेज में, जितने भी जो क्योंकि जैसे यहाँ से जो विद्यार्थी पढ़कर निकले वो अपने प्रभावी भूमिका के माध्यम से जो है इस ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, इस प्रयोग है, इसको सफल बनाया, हमारे जैसे जो मित्र है हमारे वाइस चांसलर, लेकिन ये संस्था की मजबूती इसी में है कि यहाँ पर एक परिवार भाव के आधार पर हम जो है अपने काम को करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वुड लाइक टू परफॉर्म अ सॉन्ग, एम आई ऑन? To each and every individual, today we have virtually gathered here. Career counseling की class, TET की class की अगर बात करें, से आत्मनिर्भर भारत की ओर. I am pleased to speak that many of our scholar who has left college with flying heights now hold senior position in several reputed schools and colleges. अच्छे अच्छे बातों को सुनने को मिल रहा है, और कॉलेज कोई भी है मैं सिर्फ उसको दिखाना चाहूंगा और वो मैं शेयर करता हूँ, उसके बाद ये भी खोकर स्टूडेंट ऑफ दी ईयर सब बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते।